Hello everyone, I am Nidhi and welcome back to Learning Power. This video is part two of EVS NCERT जो CTET के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे. अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए. ये हमारा लर्निंग पावर ऐप है. इसमें आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोर्सेस परचेज कर सकते हैं. अगर किसी एजुकेटर के आपको कोर्स अच्छे लगे हैं, आप उन्हें पर्सनली परचेज करना चाहते हैं उन कोर्सेस को, आप कर सकते हैं. उसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए और नॉर्मल क्वेरीज के लिए, एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो पिछली क्लास में हमने पार्ट वन डिस्कस किया था ईवीएस का, जो जिसमें हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी. अब आगे डिस्कस करते हैं. तो फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इस चैप्टर में बेसिकली इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, विच इज हमारे स्टमक का टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, एंड द जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक इन नेचर. तो हमारे जो पेट का तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, और हमारे पेट में जो जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. तो जितनी राइस की जो भी खेती है वो ज्यादातर कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, जो कि ओडिशा में है. वहां पे राइस बनता है वहां के लिए भी, और बाहर दूसरे स्टेट्स के लिए भी यहाँ से राइस जाते हैं. डिस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस, देर आर मेनी पुअर पीपल इन कालाहंडी. इतनी राइस प्रोडक्शन के बावजूद भी वहां पे बहुत ज्यादा पुअर पीपल जो हैं वो हैं. मसलिन क्लॉथ इज यूज टू स्ट्रेन समथिंग. तो जो मसलिन क्लॉथ होता है, मलमल का जो कपड़ा होता है, वो छानने के लिए यूज होता है, स्ट्रेन करने के लिए यूज होता है. अथरियापुरम टाउन इज इन आंध्र प्रदेश. तो अथरियापुरम नाम का जो टाउन है वो आंध्र प्रदेश में है. ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट विद देम. तो जो हमारी दादी नानियां हैं वो अचार डालने से पहले ग्लास जार्स को धूप में रख के उन्हें सुखा देती हैं, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रह जाए. के आगे प्लांट्स विच हंट में के अंडर है बेसिकली. देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस. तो ये पिक्चर प्लांट का फोटो है यहाँ पे. इस पिक्चर प्लांट को नेपेंथीज भी बोलते हैं. इट इज सच प्लांट जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और मेघालय में, इंडिया की बात की जाए तो. तो पिक्चर लाइक शेप होता है इसका, जग जैसा जो शेप है इसका ऐसा होता है. और स्पेशल स्मेल होती है इस प्लांट की, और इसका जो मुंह है वो एक पत्ते से ढका होता है. तो कोई भी इंसेक्ट आके इसके मुंह पे बैठता है तो वो उस इंसेक्ट को अंदर खींच के खा लेता है, एंड वो ट्रैप कर लेता है उसे बेसिकली, और वो बाहर नहीं निकल पाता, और इस प्रकार वो हंट करते हैं. वैंडरिंग सीड्स के अंडर बेसिकली है कि सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स. हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि सीड के ऊपर हुक जैसा एक शेप होता है, जिसकी वजह से वो फर और इन सब चीजों में अटक जाता है, जो वेलक्रो का इन्वेंशन भी इंस्पायर किया था जिस वजह से. तो इट कैन रीच फार एंड वाइड बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो अगेन सीड हैज मेनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टक ऑन क्लोथ्स एंड फर एंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वॉटर. तो क्लोथ्स में या फर में अटक के वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और पानी के थ्रू भी वो ट्रैवल कर लेते हैं. व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, दे बर्स्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट. तो जब सोयाबीन पॉड्स जो हैं वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो बर्स्ट होते हैं और उसके जो सीड्स हैं वो बाहर फेंक जाते हैं. ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, पटेटो वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है साउथ अमेरिका से ट्रेडर्स लेकर आए थे इंडिया. और यूरोप से क्या आया था, तो यूरोप से कैबेज और पी आया था, कैबेज और मटर. और अफ्रीका से आए थे कॉफी बीन्स और हरी भिंडी. एवरी ड्रॉप काउंट्स के अंडर बेसिकली
जैसलमेर के बारे में है और पानी के बारे में मेनली. तो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाडीसार. सार मीन्स अ लेक, तो घाडीसार के बारे में बात की गई है और सार का मतलब जिसमें से होता है लेक. तो देर वॉज द स्कूल ऑन द घाट, तो घाट के पास पे एक स्कूल था. एंड जैसलमेर की स्टोरी है जैसे मैंने बताया. देर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक. तो 9 लेक्स थी जो एक सिंगल लेक के थ्रू ही भर जाती थी. जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन अ ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट. तो जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार या वो भी नहीं. एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेट इट वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वॉटर. एग्जाम्पल इन वॉटर इज बींग पम्प्ड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विच विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. तो बेसिकली जो सीजनल लेक्स होती हैं वो सब जब बारिश आती है तभी भरती हैं, नहीं तो वो खाली रहती हैं. तो जब भी बारिश आती है और वो लेक्स भर जाती हैं, लोग वहां पे सेलिब्रेट करते हैं. और जो पानी है मेनली तो ग्राउंड के अंडर से ही पंप के थ्रू, जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसके थ्रू पंप किया जाता है. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. तो अब जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं, तो जो रेन जहाँ पे लेक्स में कलेक्ट हो जाता था वो ज्यादा अब है नहीं. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स आर नाउ कवर्ड विद सीमेंट. तो जैसे ही सीमेंट की रोड्स होते हैं जो भी, वो सॉइल और के आसपास जो ट्री के आसपास जो सॉइल होता है, पार्क्स होते हैं, वहां पे अब सीमेंट है. टू द आईज ऑफ अलबिरूनी. तो अलबिरूनी एक ट्रैवलर थे और उनके बारे में उन्होंने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है. तो मोर देन 1000 ईयर्स अगो अ ट्रैवलर केम टू इंडिया. हिज नेम वॉज अलबिरूनी. तो बहुत सालों पहले, 1000 सालों पहले, एक ट्रैवलर आए इंडिया में जिनका नाम था अलबिरूनी. और वो कहाँ से आए थे, तो अब जो उस उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं हम जगह को, वहां से आए थे. अलबिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. तो उसने ध्यान से सब कुछ देखा, ऑब्जर्व किया और वो सब कुछ उसने नोट्स बना के रखे हैं. ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री. तो बेसिकली जो उसकी कंट्री में था वो उससे ज्यादा वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो जो नया देखा उसने इंडिया में वो उसे इंटरेस्टिंग लगा ऑब्वियसली, तो उसने वो सब ज्यादातर लिख रखा है. हेयर इज अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम. तो पीपल आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. तो यहाँ पे पॉन्ड्स बनाने की जो वो थी प्रथा थी बेसिकली, जो कल्चर था पॉन्ड्स बनाने का, वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसने देखा कि यहाँ के लोग जो है पॉन्ड्स बनाने में बहुत स्किल्ड है. माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, बेसिकली रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड द लेक. बिटवीन दीज देर आर टू लॉन्ग रोज ऑफ स्टेयर केस गोइंग अप एंड डाउन. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, सो देर इज लेस क्राउडिंग. ओके, तो वहां पे वो बता रहा है कि जो मेरे कंट्री मैन है वो यहाँ के पॉन्ड बनाने वालों को देख के सरप्राइज हो जाएंगे. कैसे बनाते हैं वो पॉन्ड? वो बड़े बड़े रॉक्स लेते हैं, बड़े बड़े पत्थर लेते हैं और उनको एक साथ एक आयरन रॉड की हेल्प से एक बाउंड्री टाइप बना देते हैं पॉन्ड के आसपास, चबूतरा बोलते हैं जिसको, जो कि है रेस्ड प्लेटफॉर्म बेसिकली. और उसके बीच में वो लंबी लंबी सीढ़ियां भी बनाते हैं और चढ़ने की सीढ़ी अलग है और उतरने की सीढ़ी अलग है ताकि भीड़ ना लगे. टुडे वी स्टडी हिस्ट्री, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अलबिरूनी. तो हमें हिस्ट्री में जो चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं? वो यहीं इन्हीं सारे ट्रैवलर्स के नोट्स, जो रिटन राइटिंग्स हैं उन्हीं को पढ़ के हम कंक्लूड करते हैं जो कि हाँ उस जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा. तो वो सब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में. तो स्टैम्प भी बनी है उसके बर्थडे के बाद. एक्सपेरिमेंट्स विद वॉटर. एक्सपेरिमेंट्स विद वॉटर के चैप्टर के अंडर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ऑल ओशन एंड सी हैव सॉल्टी वॉटर. तो सारे ओशियंस और सी होते हैं जो बीच पे,
हम जाते हैं वहां का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, और सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर कहाँ पे पाया जाता है, तो वो डेड सी में पाया जाता है, जिसमें 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम तक का नमक हम निकाल सकते हैं. नो वन कैन ड्राउन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट. तो बेसिकली जहां पे ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है वहां पे डूबने का खतरा नहीं होता, क्योंकि वाटर का डेंसिटी हाई होता है. द पीपल विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट इवन ट्राइंग टू स्विम. तो इसी से हम आ जाते हैं डांडी मार्च पे. तो डांडी मार्च क्या था, बहुत लोगों को पता होगा पहले से. दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देम सेल्व. दे हैड ऑल्सो पुट हैवी टैक्सेज ऑन सॉल्ट. तो 1930 के अराउंड, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने लॉ डाल दिया था, वहां पे लॉ लगा दिया था कि कोई भी खुद से सॉल्ट नहीं बनाएगा, तुम्हें हमसे ही खरीदना पड़ेगा जो भी तुम सॉल्ट खरीदोगे, और वो भी महंगे रेट्स पे. तो आगे देखते हैं क्या हुआ. बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम. हाउ कैन एनी वन लिव विदाउट सॉल्ट, गांधी जी सेड. हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली वॉट नेचर गिव्स अस. गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा, लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. तो बेसिकली अब गांधी जी ने ये आवाज उठाई कि भाई जो नेचर हमें दे रहा है चीज, वो यूज करने से कैसे तुम हमें रोक सकते हो. तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सबके साथ वो निकल गए एक यात्रा पे, बेसिकली लॉन्ग वॉक डांडी सी शोर तक. अहमदाबाद से डांडी सी शोर तक वो पैदल गए, और वहां जाके उन्होंने समुद्र से पानी लिया और उसे सन के थ्रू इवेपोरेट करके नमक बनाया. डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड. तो बेसिकली सैंड के ऊपर वो गड्ढे खोद के, ज्यादा गहरे गड्ढे नहीं होते ताकि अच्छे से वो इवेपोरेट हो जाए पानी वहां का, तो वहां पानी डाल के उसे छोड़ देते हैं जब तक वो पानी सूख जाता है और उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट रह जाता है. ट्रीज ट्रीट फॉर मस्कीटोज. मलेरिया फीवर कम्स विथ चिल्स एंड रिगर्स. मेडिसिन फॉर मलेरिया, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री. अब आयरन कैन बी फाउंड इन जागरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. तो बेसिकली मलेरिया जो है वो बहुत चिल्स और रिगर्स के साथ आता है, और उसकी जो मेडिसिन है वो है बार्क ऑफ सिंचोना ट्री. सिंचोना चिया ट्री की जो बार्क है उससे वो बनती है मेडिसिन. और आयरन कहाँ मिलता है? आयरन मिलता है गुड़ में, आंवला और बहुत हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें. फ्लाई स्प्रेड डिजीजेस लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स. तो फ्लाइज कैसे करते हैं, वो गंदी गंदी जगह बैठती है और उनके हेयरी लेग्स होते हैं, और हेयरी लेग्स में वो गंदगी और जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, और वो जाके हर जगह पे बैठ के उसे गंदा कर देते हैं, इन्फेक्टेड. और जब हम उस पर हाथ रखते हैं या किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो सारे जर्म्स हमारे हाथ में आ जाते हैं. और अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते अपनी सैनिटेशन का, तो उसी हाथों से अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पेट पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एल्गे इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन मोस्टली. तो एल्गे है जो, वो एक प्लांट है जो कि रेनी सीजन में ही स्प्रेड होता है मोस्टली. द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मस्कीटो स्टमक इज रोनाल्ड रॉस. तो कोई ऐसा साइंटिस्ट जो कि मस्कीटो के पेट में देखा है जिन्होंने, वो है रोनाल्ड रॉस. ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट्स अ डिजीज ऑफ बैड एयर. अब इससे पहले कि ये बताते कि मलेरिया जो है मच्छर से होता है, वो लोग सोचते थे कि वो गंदी हवा की वजह से ही बीमारी होती है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय वन सेल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम. तो मलेरिया कैसे कॉज होता है? एक सेल का पैरासाइट होता है बस, जिसका नाम है प्लास्मोडियम. फीमेल एनोफील्स मस्कीटोज
कैसे दिखते हैं, ब्राउनिश दिखते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं वो स्पॉटेड होते हैं। नीमिया क्या है? वो कॉमन इन दिल्ली स्कूल्स। 17 नवंबर 2007 में हजारों बच्चों को जो है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स में दिल्ली में पढ़ रहे थे, उन्हें अनीमिया था। अनीमिया बेसिकली आयरन का डेफिशिएंसी। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब एनीमिया की वजह से ना तो वो अच्छे से बढ़ पा रहे हैं ना, और उनकी ना वो पढ़ पा रहे हैं। एनर्जी लेवल उनकी बहुत लो है, और जो अब जो है उनके रेगुलर चेकअप्स करे जा रहे हैं, और हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, और जो एनेमिक चिल्ड्रन है उनको आयरन टैबलेट्स भी दी जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट। मेडिसिन फॉर मलेरिया क्या है? फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो जैसे हमने पहले देखा सिंचोना ट्री का बार्क ही मेडिसिन है, तो उसको सुखा के उसका पाउडर बना के पानी में मिक्स करके दिया जाता था, और या फिर उस बार्क को बॉईल करके वो पानी पिला दिया जाता था। बट अब जो है उसकी टैबलेट बन जाती है, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। अप यू गो। अब इस चैप्टर के अंडर बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज बताई गई हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो क्या होती हैं वो? दूसरों की हेल्प करनी चाहिए उनके बैग्स उठाने में। ग्रुप अगर के साथ अगर आप जा रहे हो तो एज ए लीडर आपको उनको पहले जाना चाहिए, खुद लास्ट में ही रहना चाहिए, सब कुछ सबके ध्यान रखते हुए। हेल्प दोज हु के नॉट क्लाइम प्रॉपरली। तो कोई माउंटेन वगैरह क्लाइम कर रहे हो आप, तो जो नहीं कर पा रहे उनकी हेल्प करिए। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। तो सबके स्टॉपेज का या रेस्ट करने की जगह एज ए लीडर आपको ढूंढ के रखनी चाहिए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। तो जिनकी तबीयत ठीक नहीं उनका ध्यान रखना चाहिए आपको। एंड अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। तो अगेन ग्रुप का ध्यान रख रहे हो, तो उनके लिए खाना पीने का भी इंतजाम आप ही करेंगे। और कौन से फैक्ट्स हैं? विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। तो जिनके पास विटामिन्स और आयरन का डिफिशियंसी नहीं होता, उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती। देखिए, दे कीप अस वार्म इन द कोल्ड। टेक्ला विलेज इज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स एट झलरापतन, झलवर बेसिकली राजस्थान में। तो टेक्ला विलेज जो है वो 1600 मीटर्स की हाइट पे है, जलवर राजस्थान में। द एंगल ऑफ अ बॉडी शुड बी 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग एंड द बैक शुड बी स्ट्रेट। तो हमें अपना बॉडी जो है 90 डिग्री एंगल पे रखना चाहिए वाइल क्लाइंबिंग, और जो बैक जो है हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो बछेंद्री पाल जो है वो पहली भारतीय महिला है, और वर्ल्ड में वो पांचवी ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़ा है। मिजो लैंग्वेज बिलोंग्स टू मिजोरम। तो मिजो लैंग्वेज जो है वो मिजोरम में बोली जाती है। विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क इज फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप वार्म। तो स्ट्रेंथ और वार्म रहने के लिए क्या लेते थे वो? विटामिन सी आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। तो अब बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे हम। अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक। तो एक 12 साल की लड़की जो है माउंटेन्स पे ही रहती थी और एक स्कूल पिकनिक के लिए गई। तो शी क्लाइम्ब अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स विद हर फ्रेंड्स। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर। तो उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ 4000 मीटर तक की पीक पे चली गई वो माउंटेन पे, और ऐसी मजाक मस्ती एडवेंचर के लिए। Soon it was dark and they could not come down. It was so cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bichendri Pal. तो अब वहां पर वो चले तो गए, बट वो वापस नीचे नहीं आ पाए क्योंकि वो अंधेरा हो गया था, उनके पास कुछ खाने को नहीं था, बहुत ठंड हो गई थी, और उन्होंने बहुत मुश्किल से पूरी ना रात गुजारी।
दिस हैपेंड टू बिछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वाज यंग. बिछेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. तो नकुरी विलेज से थी वो और गढ़वाल एरिया है वो उत्तराखंड का. व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. तो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, उन्होंने बड़े होकर वो ज्वाइन कर लिया. हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बछेंद्री. डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. शी स्टार्टेड ट्रेनिंग वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेस. इन 1984 बिछेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. तो जो है उनके जो गाइड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बछेंद्री थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी अपनी. और जो है दूसरी महिलाओं की भी ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी माउंटेनियरिंग कोर्सेस के लिए. और 1984 में उनको एज ए टीम मेंबर सेलेक्ट कर दिया गया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. क्लाइंबिंग स्लोली स्लोली बट स्टेडीली टुवर्ड्स द पीक. इट वॉज 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ 23rd May वेन बिछेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन टू पीक ऑफ 8900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल. तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है उसकी 8900 मीटर हाई पीक पे उन्होंने 23rd May को स्टेप किया. और वहां पे इतना कम जगह थी, एक और टीम मेंबर थे उनके साथ, वहां इतनी कम जगह थी कि दो लोग साथ में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. तो व्हाट डिड दे डू, तो उन्होंने एक वहां पे एक्स जो थी कुल्हाड़ी टाइप, उन्होंने वहां पे स्नो में पिच करी और वहां पे उसकी मदद से वो दो लोग फिर भी खड़े हो पाए वहां इतनी कम जगह थी. यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद अ रोप. ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर. शी बाउड हर हेड पिश्ड द नेशनल फ्लैग टुक फोटोग्राफ्स. शी स्पेंट 43 मिनट्स ऑन द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. बिछेंद्री पाल बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो उस हुक से वो बेसिकली वहां पर रोप से टंग गए और उस वजह से वो दोनों खड़े हो पाए और वहां पे उन्होंने जो है तिरंगा झंडा जो है वहां लगाया, उसको बो किया और पिक्चर्स क्लिक करी और 43 मिनट्स तक के लिए वहां पे वो रहे दोनों. और ऐसे वो बनी इंडिया की पहली और वर्ल्ड की फिफ्थ महिला जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक तक पहुंच पाई है. अब वॉल टेल स्टोरी के अंडर बेसिकली गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताया गया है जो कि हैदराबाद में है. जैसा आप फोटो में देख रहे हो, दिस इज गोलकोंडा फोर्ट. अ पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप आर कॉल्ड बैशन्स बुर्ज. तो ये सारे बुर्ज हैं जो कि सामने आपको डिजाइन दिख रहे हैं. द आउटर वॉल ऑफ गोलकोंडा फोर्ट हैज 87 बैशन्स. तो ये जितने भी 87 है ये जो भी आपको गोल गोल डिजाइन दिख रहे हैं. कुतुब शशी सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687. तो कुतुब शशी सुल्तान जो थे उस टाइम के, उन्होंने एक के बाद एक यहाँ पे रूल किया है 1518 से लेकर 1687 तक. इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड आउट ऑफ मड. तो ये मड का बना हुआ, कीचड़ और मिट्टी का बना हुआ फोर्ट है और जो कि 1200 सदी में बना था. सुनीता विलियम्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे. सुनीता इन स्पेस के अंडर हमें देखने को मिलता है. सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. तो 360 किलोमीटर्स दूर तक वो गई थी अर्थ से. और सुनीता विलियम्स सेड फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी. वन कैन नॉट सी डिफरेंट कंट्रीज. डिविजन्स इन टू कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस. तो वो कहती हैं इतनी दूर से कोई बाउंड्रीज कोई डिस्टेंस मतलब कुछ नहीं दिखता, सिर्फ यही दिखता है कि लैंड है और वाटर है. ये जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमारे बनाए गए हैं. स्टार्स कैन बी सीन ट्विंकलिंग. अ शाइनी ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन द स्काई कैन बी अ सैटेलाइट. तो वो कहती हैं स्टार्स देखे जाते हैं ट्विंकलिंग करते हुए और शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है वहां पे जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है स्काई में, वो है सैटेलाइट.
और एंड अ शूटिंग स्टार इज एक्चुअली अ मीटियोराइट व्हिच कैचेस फायर व्हेन इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तो शूटिंग स्टार क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ मीटियोराइट. तो एक मीटियोराइट एक पत्थर की तरह होता है स्पेस में उड़ता हुआ, जो कि अगर अर्थ का सरफेस क्रॉस कर ले तो वो आग पकड़ लेता है. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के जो शख्स थे, उन्होंने पहली बार मून पे चला. व्हाट इफ इट फिनिशेस में क्या हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अ लार्ज स्टेपवेल, बाउली जो हम बोलते हैं, अबाउट 18 किलोमीटर्स फार फ्रॉम अहमदाबाद. तो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर एक बाउली है, एक स्टेपवेल है, अदलाज स्टेपवेल नाम का. और साइंटिस्ट यूज अ स्पेशल टेक्निक एंड मशीन टू फाइंड आउट द पेट्रोलियम. तो साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं और मशीन्स यूज करते हैं पेट्रोलियम ढूंढने के लिए. फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल या एयरक्राफ्ट का फ्यूल. तो पेट्रोलियम से क्या मिलता है हमें? ऑयल, केरोसीन, डीजल, पेट्रोल या जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है वो सब. एलपीजी कुकिंग गैस जो होती है हमारे घरों में, वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. तो ये सारी जो चीजें हैं, एलपीजी, वैक्स, कोल टार, ग्रीस, ये भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है. अ शेल्टर सो हाई, मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया. तो मुंबई जो है वो बहुत क्राउडेड सिटी है, मोस्ट क्राउडेड सिटी है इंडिया की. टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज टू क्रॉस मेनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान. बहुत सारे स्टेट्स क्रॉस करने पड़ते हैं दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान. द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 1400 किलोमीटर्स. तो जो डिस्टेंस है दिल्ली टू मुंबई का वो है 1400 किलोमीटर. द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स. तो जो रोड्स हैं जम्मू कश्मीर की वो बहुत डिफिकल्ट है माउंटेन्स की वजह से. वन हैज टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख. तो लेह लद्दाख जाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करना पड़ता है. पीपल यूज नायलॉन टेंट्स ऑन हिली एरिया एज लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. तो कोल्ड डेजर्ट है वहां पे, बहुत ड्राई विंटर टाइप का सीजन होता है उधर, क्लाइमेट होता है उधर. तो वो लोग नायलॉन के टेंट्स यूज करते हैं गर्म रहने के लिए. इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेस, हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स एंड कवर्ड इन स्नो. तो लद्दाख में कैसे घर देखेंगे हम लोग? वुडन हाउसेस होते हैं वहां पे, मेनली लकड़ी के बने हुए घर जो कि स्लोपिंग रूफ होती है जिनकी, और बर्फ से ढके हुए होते हैं. लद्दाख इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, सो इट इज कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. तो बहुत ऊंचाई पे है, ड्राई है और फ्लैट है. लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है. देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस. नो प्लांट्स और ट्रीज ग्रो इन लद्दाख. तो बहुत हाई एरिया ऑल्टीट्यूड पे है वो, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स है वहां पे, और बहुत फ्लैट ग्राउंड्स है और इतना ड्राई है कि वहां पे प्लांट्स और ट्री भी नहीं उगते. लद्दाख में झूले, झूले का मतलब है वेलकम वेलकम. देर आर हाउसेस दैट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ड वन ओवर दी अदर. तो वहां के जो कुछ घर है, मतलब घर है वो पत्थर से भी बने हुए हैं और एक के ऊपर एक माला जो है उन्होंने रख रखा है. वॉल्स वर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. तो मड एंड लाइम से उन्होंने थिक कोटिंग कर रखी है अपनी वॉल्स की. द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम द इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर. तो एक शेड की तरह ही दिखता है वो हाउस अंदर से, और बहुत सारा हे जो है अंदर स्टोर करते हैं वो. तो वुडन स्टेप्स होते हैं वहां पे ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए. ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरीली थिंग्स. तो ग्राउंड फ्लोर जो है बेसिकली बिना विंडोज का होता है, वहां पे सिर्फ एनिमल्स रखते हैं और जो स्टोर करने की चीजें होती हैं वो होती हैं मेनली.
समटाइम्स व्हेन इट गेट्स कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन साइड, तो डाउन स्टेयर्स. तो यूजली वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो ये सब स्टोरेज का रखते हैं, बट जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो खुद भी डाउन स्टेयर चले जाते हैं. हे ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडोज, द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉ. तो मोटे जो पेड़ के तने होते हैं उनको रूफ पे लगाते ताकि वो रूफ स्ट्रॉन्ग रहे. रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन्स एंड येलो गोल्डन कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख. तो हमें लाल मिर्च, ऑरेंज पम्पकिन और गोल्डन येलो कॉर्न जो है भुट्टे, वो लद्दाख में मिलते हैं. ड्यूरिंग समर सीजन वी गेट वेजिटेबल्स, वी स्टोर देम फॉर विंटर्स एंड व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो समर सीजन में हमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं वो हम विंटर्स के लिए स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब हमें विंटर्स में ना मिले तो हम खा पाए. द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट्स द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम कोल्ड. तो जो थिक वॉल्स हैं जो उन्होंने मड और लाइम से कवर करके बनाते हैं, वो वुडन फ्लोरिंग होती है वहां की और वुडन ही सीलिंग होती है जो थिक ट्री ट्रंक से बनाई हुई होती है, तो ये ठंड से बचाती है उन लोगों को. इन लद्दाख देर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स. तो वहां पे बहुत नैरो पतली सी और रॉकी माउंटेन वाली रोड्स होती हैं. एट मेनी प्लेसेस पीपल दे आर नॉट लाइक देर आर नो रोड्स एट ऑल. तो वहां पे कई सारी जगह में तो रोड्स ही नहीं है कहीं, और जहाँ है वहां नैरो और रॉकी माउंटेन रोड्स हैं. चांगथांग इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 मीटर्स. इट हैज रॉकी प्लेन्स देयर. तो चांगथांग एक जगह है जो कि 5,000 मीटर की हाइट पर है वहां पे, और रॉकी प्लेन्स है उधर. एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक. तो जहाँ हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो लोग ब्रीद नहीं कर पाते ज्यादा अच्छे से और हेडेक होने लग जाते हैं और वीक फील करने लग जाते हैं. देर आर नो पेट्रोल पंप एंड नो मैकेनिक्स देयर. तो वहां पे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, कोई मैकेनिक्स भी नहीं है. चांगपा अ ट्राइब लिविंग ऑन माउंटेन्स. द चांगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5,000 पीपल. तो चांगपा एक ट्राइब है जो कि वहाँ माउंटेन्स पे रहता है, और इस ट्राइब में लगभग 5,000 लोग के आसपास होंगे. द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप. तो वो गोट्स और शीप के साथ ही मूव करते हैं इधर से उधर, ताकि उन्हें जब मिल्क, मीट, स्किन या टेंट के लिए जो जो उनको सामान चाहिए होता है, स्किन बेसिकली, या वूल चाहिए होती है कोट बनाने के लिए या स्वेटर बनाने के लिए, उन्हें उन शीप्स और गोट्स से मिल जाए. इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड रिच एंड इम्पॉर्टेंट. तो जिनके पास ज्यादा एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा अमीर कंसिडर करा जाता है, ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल. तो जो ये गोट्स होती हैं, स्पेशल गोट्स होती हैं बेसिकली, और उनके फर से उनको पश्मीना वूल बनाने का फर बेसिकली सामान मिलता है. द चांगपा ग्रेज देयर गोट एट हाई एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट हैव मोर सॉफ्टर हेयर फर. तो चांगपा जो होते हैं, जिस ट्राइब के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो अपने गोट्स को हायर और कोल्डर प्लेसेस पे ही ग्रेज कराते हैं जो चरना होता है उनका, ताकि उनका जो फर है उगे वो बहुत सॉफ्ट और मतलब ज्यादा उगे. दे स्टे हाई अपॉन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव. अब जो गोट्स होते हैं उनके पास स्पेशल काइंड की, वो बहुत ऊंचे एरियाज पे ही रह पाती हैं, तो ये लोग भी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में उन एरियाज में रहते हैं. दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड. वही उनका जीवन है, वही उनका आमदनी का सोर्स है. द चांगपास कैरी एवरी थिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स. इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर्स टू पैक एवरी थिंग एंड मूव अहेड. तो जो भी उनका सामान होता है वो इन हॉर्सेस और याक्स पे कैरी करते हैं, और इतना सामान होता भी उनके पास, तो 2-2.5 घंटे में वो सारा सामान पैक करके आगे बढ़ते हैं. द चांगपास कॉल देयर टेंट्स रीबो. वो अपने टेंट्स को रीबो बोलते हैं, और उनके जो हेयर हैं वो
स्ट्रिप्स में वोवन कर देते हैं और फिर वो उन स्ट्रिप्स को आपस में सिल देते हैं, तो ऐसे बेसिकली एक शॉल सा बन जाता है जो उन्हें ठंड में प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स. इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्री बिलो जीरो. विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर, तो 0 से भी नीचे उनका डिग्री का जो है वो चला जाता है, और जो विंड है वो 70 किलोमीटर्स पर आवर पे ब्लो करती है, तो विच इज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग. इन चांगपा लैंग्वेज, चांगथांग मीन्स प्लेस वेयर फ्यू पीपल लिव. तो श्रीनगर में यू विल सी सम हाउसेज ऑन माउंटेन्स, वाइल सम इन कश्मीर, एंड एवरी लेन हैज अ बेकरी. तो हर लेन के पास एक बेकरी होती है. कश्मीरी पीपल दे डोंट कुक रोटीज इन देयर होम्स, तो बेकरी से ही खाना लाते हैं, रोटी लाते हैं, जो जो भी उनका रोटी होती है बेकरी में, स्पेशल काइंड की. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑन हाई माउंटेन, सम ऑन वाटर, सम विद ब्यूटिफुल डिजाइन इन वुड एंड स्टोन. तो जो कुछ शेल्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप के शेल्टर होते हैं, कुछ हाई माउंटेन्स पे होते हैं तो कुछ पानी पे होते हैं, कुछ बहुत सुंदर डिजाइन के साथ स्टोन और वुड पे बहुत अच्छा डिजाइन के साथ होते हैं, और कुछ मोबाइल शेल्टर्स होते हैं. कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरीड इन टू अनदर प्लेस. तो मोबाइल शेल्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पैक करके वो दूसरी जगह भी ले जाते हैं. नियर द रिवो देर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, चांगपास कॉल इट लेखा. तो रिबो के पास, उनके टेंट के पास शीप और गोट रखने की जगह होती है, उसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जो बेसिकली स्टोन से बनाया हो गया कमरा होता है बेसिकली. ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. पहचान के लिए हर एनिमल पे अपना एक स्पेशल मार्क लगा देते हैं. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. तो विमेन और यंग गर्ल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एनिमल्स को गिने और वो बाहर लेके जाए. कारगिल्स कम इन द वेव टू श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख. तो कारगिल जो है श्रीनगर से लेके लद्दाख के रास्ते में ही आता है. अब बात करते हैं पश्मीना फूल के बारे में. इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स. तो 6 स्वेटर आपने डाले हो उतना ही गर्माहट वो एक पश्मीना शॉल देता है. इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म. बहुत पतला होता है बट बहुत गर्म होता है. द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 5,000 मीटर्स. इन विंटर्स द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस. अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. तो ऐसा माना जाता है कि जो गोट्स हैं वहां की, जो सॉफ्ट पश्मीना वूल का जो फर है वो प्रोवाइड करती हैं, वो बहुत ही ठंड में ही रह पाती हैं. और वो ठंड में कैसे रह पाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी वो थिक फर का कोटिंग है, और वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 से लेके -40 डिग्री तक भी चला जाता है. द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर. दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स. तो गर्मियों में गोट्स जो है वो अपने बाल जो है वो झड़ जाते हैं, उनके बाल ज्यादातर, तो मतलब कुछ बाल झड़ जाते हैं उनके, और ये बाल इतने पतले होते हैं कि ये 6 बाल एक साथ अगर हम रखें तो इतने मोटे होंगे जितना आपका एक एक बाल होगा. द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन, सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाय हैंड. इतनी पतली जो है वो हेयर होता है कि वो मशीन पे वूवन हो ही नहीं सकता, तो हाथ से ही वहां के लोग जो है उसको वूव करते हैं. दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस. आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड. इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी. तो 250 घंटों के बाद एक प्लेन पश्मीना शॉल बनता है. तो सोचो एम्ब्रॉयडरी वाले शॉल बनाने में कितना टाइम जाएगा. अब श्रीनगर में घर कैसे होते हैं,
हाउस बोट्स होते हैं एक तो, जो कि बेसिकली 80 फीट लॉन्ग बोट्स होते हैं जिसमें और 8 से 9 फीट चौड़ी होते हैं जिसके अंदर ही कमरे होते हैं. एक होता है डोंगा. दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक झेलम रिवर फ्रॉम द इनसाइड. द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स. तो बेसिकली ये बोट्स होती हैं बहुत ह्यूज साइज की, और इसमें अंदर घुस के ऐसा लगता है बेसिकली घर ही में ही घुस गए हैं. बहुत सारे कमरे होते हैं, ड्राइंग रूम, सोफा, बेडरूम, ये सब. ब्यूटिफुल कार्विंग्स ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेस. दिस डिजाइन इज कॉल्ड कथम्बंड, विच इज अ पैटर्न दैट लुक्स लाइक जिग्सॉ पजल. जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो वैसे ही जिग्सॉ पजल जैसा दिखने वाले पैटर्न को खत्म बर्न बोलते हैं. और ऐसे ही डिजाइन आपको वहां पे ज्यादातर डोंगा में देखने को मिलेंगे ऑन सीलिंग्स एंड वॉल्स. इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड केप्ट वन ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द अदर. तो कश्मीर में पत्थर के घर होते हैं और एक के ऊपर एक माला चढ़ा के वो रहते हैं. अदर एंड कोटेड विद मड, वुड इज ऑल्सो यूज. द हाउस हैव स्लोपिंग रूफ. रूफ तो दूसरे जो घर हैं वो मड से कोटेड होते हैं और लकड़ी के भी घर होते हैं, वैसे जैसे हमने लद्दाख में पढ़ा था. द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ ताकि वो बर्फ आराम से स्लाइड करके हटा सके, इसलिए वो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं अपनी छतों के. सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल. इट इज कॉल्ड डब. इट इज अ ब्यूटिफुल वुड पैटर्न. तो ऐसी भी स्पेशल टाइप की विंडो होती है वहां पे कुछ पुराने घरों में जो कि बाहर आ जाती है दीवार से, इनको डब बोलते हैं. द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड. द डोर्स एंड विंडो हैव ब्यूटिफुल आर्क्स मेहराब. तो यहाँ के जो पुराने घर है वो पत्थर से, ईंटों से और लकड़ी से बने हैं और इनको बहुत ब्यूटिफुल आर्चेस हैं वहां पे जिनको मेहराब बोलते हैं. When the earth shook on January 26, 2001, earthquake hit the Kutch area in Gujarat. तो कच्छ एरिया गुजरात में 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था. At least 1,000 people are feared death in earthquake that struck Gujarat that morning. Many thousands have been injured. Army jawans had been called in to help. At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad. तो इतना खतरनाक भूकंप आया था वहां पे कि बहुत हजारों लोगों को मौत का खतरा था वहां पे. आर्मी जवान्स को बुलाना पड़ा हेल्प के लिए और 100-150 जो है वो बिल्डिंग्स ही गिर गई होंगी अहमदाबाद की. इन दीज देर आर डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. बाई दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स. दिस इज फियर्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल मे स्टिल बी ट्रैप्ड. रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन. ऑफर्स टू हेल्प कमिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ कंट्री एंड अब्रॉड. तो बहुत सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स भी थी जिनमें 250 से ज्यादा जो है बॉडीज उन्होंने रिमूव करी, और ऐसे भी माना जाता है कि और भी बॉडीज होंगी उस टाइम पे वहां पे. और एफर्ट्स जो थे वो करे जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्री के द्वारा और बाहर अब्रॉड के द्वारा भी. ये था आज का सेशन, और Part 3 में हम आगे का डिस्कस करेंगे. बाकी लाइव सेशंस होते हैं हम लर्निंग पावर ऐप पे 8:30 अराउंड. तो आप वो ऐप डाउनलोड करके वो सेशंस भी इंजॉय कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.